अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त शाम के 6:45 हो रहे हैं और मैं अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए आई थी, इसलिए कि काफ़ी गर्मी पड़ रही है और सुबह मैंने पानी भी नहीं दिया था। आके चेक किया तो उस वक्त मेरे प्लांट्स हल्के के गीले हो रहे थे, इसलिए कि मैंने कल शाम को पानी दिया था और प्लांट्स सुबह के टाइम तक बिल्कुल सही थे। तो मैंने आते ही पानी दिया और अपने कुछ प्लांट्स की पिंचिंग की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताऊं, इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो नए नए बिगिनर्स हैं जिनको नया नया गार्डनिंग का शौक हुआ है, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम आखिर प्लांट्स की पिंचिंग क्यों करें और किन प्लांट्स की प्रूनिंग करें और प्रूनिंग क्यों करें, पिंचिंग क्यों करें, और ये कि पिंचिंग करने से अच्छा नहीं है हम प्रूनिंग कर लें। तो चले मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ कि प्रूनिंग और पिंचिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए, हर प्लांट के को हम चाहते हैं लगाने के बाद कि वो खूब अच्छी तरह बुशी हो, खूब फैले और हमारे गार्डन में खूब ग्रीनरी हो जाए। इसके लिए हम पिंचिंग भी करते हैं और प्रूनिंग भी करते हैं, लेकिन हर प्लांट की आप प्रूनिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम प्रूनिंग नहीं कर सकते, उनकी हम पिंचिंग करते हैं। प्रूनिंग करना बार बार प्रून नहीं किया जाता, जैसे कि अब सीज़न शुरू हो गया है, हमारे फ्लावरिंग हो रही है, गर्मियों के सीज़न के जो फ्लावर्स हैं या हमारे प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी, हम बार बार उनकी प्रूनिंग नहीं करेंगे। प्रूनिंग का मतलब यह है कि आप उसकी अच्छी खासी ब्रांच कट कर दें, उनको छोटा कर दें ताकि वो फिर आगे मज़ीद बुशी हों। तो ये काम जो है प्रूनिंग करने का, हम साल में उस वक्त करते हैं जब उस प्लांट, जैसे कि प्लांट हमारा है उसकी ग्रोथ रुक गई है, डोरमेंसी में चला गया है, वो विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है तो हम उसकी प्रूनिंग कर देंगे थोड़ी बहुत, या हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। लेकिन अगर गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है या गर्मियों का प्लांट है और इस वक्त उसके अंदर ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो हम उसको प्रून करके छोटा नहीं कर देंगे, या उसको हम ये नहीं करेंगे कि चले इसके अब ब्रांचेस निकलेंगी, उसको हम पिंचिंग करेंगे। जैसे कि आप देखें कि मैं आपको बताऊं कौन सा प्लांट, सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि प्रूनिंग किस प्लांट की करते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि हमने अरेनियम की पिंचिंग कर दी। अरेनियम की पिंचिंग नहीं किया थी, उसको कर करके प्रून किया जाता है ताकि वहाँ से और ब्रांचेज निकले, पिंचिंग नहीं की जाती है। इसी तरह आप देखें डिफेनबाकिया की, बहुत से लोग कहते हैं डिफेनबाकिया की कैसे हम पिंचिंग करें, तो इसकी पिंचिंग नहीं की जाती है। अगर आपको डिफेनबाकिया के प्लांट को अच्छा बुशी बनाना है, तो जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाए, ऐसे कि आप देखें कि मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ये कि नीचे तक इसके काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है, आप इसकी ग्रोथ देखिए, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त है, और अभी ये इतना बुरा नहीं हुआ है, लेगी सा नहीं हुआ है। और अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेगी सा हो जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी, तो यहाँ से 3-4 ब्रांचेज निकलेगी। आप सोचिए कि इस इतने डिफरेंट बकेट के प्लांट की हम प्रूनिंग तो नहीं कर सकते, पिंचिंग तो नहीं कर सकते, इसको प्रून किया जाता है, इसको कट करके इसकी ब्रांचेस लगाई जाती हैं, तो फिर ये प्लांट जो है वो बुशी भी हो जाता है और मज़ीद इसके प्लांट्स तैयार भी हो जाते हैं। ये बात है। और पिंचिंग क्यों ज़रूरी है? पिंचिंग देखिए, जैसे कि आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट की आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पिंचिंग इसलिए ज़्यादा अच्छी रहती है कि छोटा सा प्लांट होता है, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा प्लांट होगा, ऐसे कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे पास छोटा सा एक प्लांट है, उसको मैंने पिंचिंग कर दी, और इतने छोटे प्लांट की मैं क्या प्रूनिंग करूँगी, उसकी मैंने पिंचिंग की तो उसने 2 ब्रांचेज निकाली, फिर उन दोनों प्लांट की मैंने पिंचिंग की। जैसे कि ये देखिए, आप इसको ही देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं कि मैं इसको मुसलसल पिंचिंग करती हुई आ रही हूँ। ये प्लांट मेरा है क्रोटन का, और आप इसकी ग्रोथ देखिए, माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ, इसकी लीव्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और ये बहुत बड़ा हो गया है, ये घना, इतना जो आप मुझे जो इतना बड़ा हो रहा है, बुशी हो रहा है, ये खुद नहीं हुआ, इसकी मैं मुसलसल पिंचिंग करती रही हूँ। छोटा सा प्लांट था, पिंचिंग की, 2 ब्रांचेस निकली, फिर पिंचिंग की, फिर उसकी 4 हो गई, करते करते आज ये प्लांट मेरा इतना बड़ा हो गया। आप नीचे से देखिए, नीचे तक बहुत घना है, और नीचे तक इसकी कितनी मैंने पिंचिंग की है, और अब देखिए मज़ीद पिंचिंग की, तो एक ये ब्रांच निकली है, एक ये ब्रांच निकली है, यानी देखिए मैंने पिंचिंग की तो एक ये ब्रांच निकली, देखिए एक ये, एक ये, एक ये, 3 ब्रांच निकल आई। यहाँ देखिए आप, मैंने पिंचिंग की, एक ये निकली, एक ये निकल रही है, और एक एक ये है, देखा। तो इस तरह पिंचिंग की जाती है, ऊपर की नोक को तोड़ दिया जाता है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मेरा कौन सा प्लांट आपको दिखाऊं मैं, चलें आप इसकी कर सकते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, आप देखिए मेरा ये प्लांट है, इसकी आप पिंचिंग करेंगे,
इसकी प्रूनिंग मत कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ये बहुत लगीसा हो रहा है या ख़राब हो रहा है या बहुत बड़ा हो गया, तो आप चाह रहे हैं कि और बुशी हो, तो आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, ठीक है। वैसे क्या करेंगे, मैं आते जाते इसकी ऐसे पिंचिंग कर देती हूँ, जैसे कि ये ब्रांच है ना, मैं आई, मैंने यहाँ से ये जो आगे है, मैंने यहाँ से ये आगे जाने वाला ये तोड़ दिया, सही है, ये आगे इसकी छोटी चीज तोड़ दी, तो यहाँ से ये मज़ीद निकल आएंगे। इस तरह से हम इनकी पिंचिंग करते हैं और प्लांट को बुशी से बुशी बनाते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने जो क्रोटन की पिंचिंग की और दूसरे प्लांट की पिंचिंग की, तो इससे कितना फ़ायदा हुआ। ये देखिए, ये मेरे क्रोटन के कुछ और प्लांट्स हैं। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी पिंचिंग की थी। जब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मैंने यहाँ से ऊपर की उसकी एक कोपल जो थी, आगे की जो ब्रांच थी, तोड़ दिया, ऐसे पिंच कर दिया, तो उससे निकले ये तीन, देखिए ये तीन ब्रांचेस निकले, देख रहे हैं आप। उसके बाद जब ये ब्रांच थोड़ी सी बड़ी हुई, तीनों ब्रांच, तो मैंने फिर पिंच कर दिया, तो आप देखिए कि ये प्लांट जो है, ये इसकी दो ब्रांचेस निकल आई, देखा आपने। यहाँ से मैंने पिंच किया, इसके दो निकली। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरह, जब थोड़ा सा ये इसी तरह ये बड़ा हुआ था, तो मैंने तीन ब्रांचेस निकली थी ना, वहाँ से उसको पिंच किया, यहाँ से मैंने इसको पिंच किया, तो ये दो ब्रांचेस निकल आई, ये देखिए ये दो निकली हुई हैं, देख रहे हैं आपको। तो इस तरह देखिए, अब ये घना होता जा रहा है। अभी थोड़ी सी और बड़ा हुआ, तो मैंने यहाँ ऊपर से इसको पिंच कर दिया, तो इसके दो तीन निकल आई, तो अब ये इसी तरह उस प्लांट की तरह ये बहुत बुशी हो जाएगा। अब जैसे कि मेरा ये कॉटन का है, इसके अंदर मैंने पिंच किया, थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने इसको आगे से पिंच कर दिया। अब इसको तो हम प्रून नहीं कर सकते ना, बहुत छोटा सा प्लांट है, आप कहें कि मैं प्रून कर दूँ इसको, तो इस तरह भी लोगों ने किया है, उन्होंने कहा कि हमारा प्लांट बड़ा हुआ, हमने उसको प्रून कर दिया, अब उसकी सूख गया, तो सूख तो जाएगा, आप छोटे से प्लांट को प्रून कर देंगे। प्लांट को प्रून इस तरह नहीं किया जाता, और देखिए पिंच कर दिया जाता है, छोटे प्लांट होते हैं उनको पिंच कर दिया जाता है। ये देखिए, मैंने पिंच किया, ऊपर थोड़ा सा पिंच कर दिया, तो ये दो ब्रांचेज निकली हैं, देखा आपने, ये एक और एक, ये दो ब्रांचेस निकली, दो निकल आई हैं। अब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, और यहाँ से मैं, बल्कि मैं इसको तोड़ भी चुकी हूँ, देखिए आप, ये मैंने तोड़ चुकी हूँ, और यहाँ से भी मैं पिंच कर चुकी हूँ, तो दोनों मैंने पिंच कर दिया। अब यहाँ से दो, ये चार हो जाएंगे, तो मेरा ये जो कॉटन का है, ये भी बुशी हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह कॉटन का। ये देखिए मेरा कितनी मैंने पिंचिंग की है, और आप देखिए अब ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, और मैंने ऊपर फिर पिंच किया, तो आप ये देखिए दो निकली हैं, दिख रहा है आपको, ये दो निकली हैं। तो इस तरह से हम पिंचिंग करते चले जाते हैं और यूँ करते हैं। प्रून इस तरह से प्लांट को नहीं किया जाता कि कोई भी प्लांट लिया और आपने उसको प्रून कर दिया, कट कर दिया, तो जाहिर बात है सीज़न चल रहा है, आप उसको प्रून नहीं करेंगे। प्रून करने का वक्त होता है जब उस प्लांट की डोरमेंसी में जा रहा होता है, सीज़न ख़त्म हो रहा होता है, तो फिर हम थोड़ा सा प्रून कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट सीज़न में उसमें मज़ीद ब्रांचेज निकलें। और प्रून भी अमूमन जो है वो समझिए फरवरी में, लोग अक्सर फरवरी में कर देते हैं या जनवरी में कर देते हैं, ताकि फरवरी में जब बाहर का मौसम आए, नई नई ब्रांचेस निकलें, तो हमारा प्लांट खूब बुशी हो जाए। ये भी हो, इस तरीके से हम उसको बुशी बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पिंचिंग करने का जो मेथड है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमारा सदाबहार का ये प्लांट है, ठीक है, इसको भी आप पिंचिंग कर दीजिए, प्रून भी कर सकते हैं, सदाबहार तो पूरे साल होता है, इसको आप प्रून भी कर सकते हैं, आप इसको छोटा कर दीजिए काट के, ताकि छोटी छोटी, ताकि फिर मज़ीद बुशी हो। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बड़ा सा रहे और मज़ीद इतनी ब्रांचेस निकले, तो आप पिंचिंग करते हैं, छोटे से प्लांट से पिंचिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह वेजिटेबल में भी पिंचिंग की जाती है, प्लांट्स को ऊपर से पिंच कर देते हैं, तो वो ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, समझिए आप, उसके प्लांट में, बैगन के प्लांट में, इसके अलावा आप हरी मिर्चों के प्लांट में पिंचिंग कर देते हैं, तो फिर प्लांट हमारा बुशी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा बता दूं कि हर प्लांट को नहीं इस तरह हम करते कि हमने कर दिया उसके बाद आपका प्लांट में ग्रो ही नहीं हुआ, है ना, तो इस तरह नहीं करते। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।